उसको पता है मैया मेरे को रखवाली करेगी, है मैया मेरे रखा कहते। उसी तरह जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम लेते ही समझो ठाकुर जी की गोद में सर रख कर के सोएगी, फिर तुम्हारी कोई बाधा विपत्ति नहीं आएगी, ठाकुर तुम्हें रखा करेंगे। ठाकुर जी तुमको एक कथा सुन लो ध्यान से, कथा सब याद कर लेना, कथा अप्रचार करना ठीक है। हरे कृष्ण। बोले एक समय एक राजा था जिसका नाम था सुकांत। क्या नाम था? जोर से बोला, सुकांत। एक समय वो सत्संग में जा रहा था, इतने में बीच में नारद जी मिल गए। हम कहते ना कभी कभी, तो क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या झगड़ा लगाते हो? कभी कभी कहते ना जगत में नारद जी का नाम बड़ा बदनामी है, लेकिन ऐसे बात नहीं, नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं। नारद जी ऐसे काम करते हैं जो काम करने से ठाकुर की कोई नई लीला प्रकट हो जाए। इतने में बीच में नारद बाबा मिल गए। 5 मिनट सुन लो, हरे कृष्णा। इसलिए नारद जी बीच में मिल गए। नारद मिले तो बोले भैया इधर आ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत को ऊपर में बड़े बड़े संत आज इकट्ठे हुए हैं, आज मैं सत्संग में जा रहा। फिर जब जा रहा था ना, बोले इधर इधर आ। बोले बताओ क्या बात है? बोले वहां पर तो बड़े बड़े संत लोग बैठे होंगे। बोले हाँ। बोले सबको तो प्रणाम करना, देखना वहां पर श्री, वहां कहते वहां पर देखोगे श्री विश्वामित्र भी वहां पर बैठे हुए होंगे। बोले हाँ जरूर होंगे। बोले सबको तो प्रणाम करना, लेकिन जो विश्वामित्र को ना प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों? जब सारे संतों को प्रणाम करूंगा, विश्वामित्र को भी प्रणाम करूंगा। बोले बोल दिया ना उनको नहीं करना, क्योंकि वो पहले भी वही क्षत्रिय थे। तू जैसे क्षत्रिय है ना, वो पहले क्षत्रिय थे, फिर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि को प्राप्त किया है, फिर उन्होंने ब्रह्मर्षि बने, तेरे जैसे थे, इसलिए उनको प्रणाम करने का जरूरत नहीं। बोले कोई बात नहीं। वो गए, सारे संत एक लाइन में बैठे, सबको चरणों छुए, सबको चरणों छुए, लेकिन जो बीच में विश्वामित्र बैठे हुए थे ना, उनको प्रणाम नहीं किया। देखो जब सारे संत एक लाइन में बैठे हुए, जब सबको आदर देते हो, सबको देनी चाहिए। अगर बीच में एक व्यक्ति को अगर आदर नहीं दो, उनको अपमान होता कि नहीं? उनको अपमान होता कि नहीं? होता है ना। अरे विश्वामित्र कौन है? भगवान राम का गुरु, भगवान राम का गुरु जी। जब उन्होंने देखा सबको प्रणाम किया, बीच में उनको ही प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। जब सभा खत्म हुई ना, तमतमाते हुए सीधा आए कहां पर? अयोध्या में आ करके वहां पर प्रभु राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी रखवाली कर रहे थे। इतने में विश्वामित्र आए, बोले अभी राम से मैं मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु राम अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोता है, उसकी देश में ही ऐसे अनहोनी होती है, अभी सो रहे। बोले अभी अभी मिलना चाहता हूँ। बोले थोड़ी सी रुक जाओ, प्रभु विश्राम कर रहे। अभी लक्ष्मण और विश्वामित्र से तो बातचीत होने लग गई, प्रभु राम सो रहे थे। बोले भैया झगड़ा किस चीज को हो रहा है? इतने में प्रभु राम की नींद खुल गई, उठ करके आए, देखा गुरु जी विश्वामित्र है। अब गुरु जी को देखते ही भगवान राम ने अपना शरण झुकाया, प्रणाम किया। बोले गुरु जी क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों है? बोले क्रोधित इसीलिए कि साधु समाज का बदनाम, साधु परंपरा की बदनाम, इसलिए सुमेरु पर्वत के ऊपर में सत्संग हो रही थी और राजा सुकांत ने सबको प्रणाम किया, केवल मेरे बीच बीच में, केवल मेरा चरण में उन्होंने सर नहीं झुकाया। हे भगवान सुन करके बोले जिस दुष्ट ने मेरी गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया, कल उसका सर ही नहीं रहेगा, उसका सर को मैं कत्ल कर दूंगा। भगवान राम प्रतिज्ञा किए। देखो अगर ठाकुर जी कोई चीज प्रतिज्ञा करते हैं ना, ठाकुर जी सत्य संकल्प, जो प्रतिज्ञा करते हैं वो जरूर होता है। इतने में ये बात ना धीरे धीरे फैलते फैलते सुकांत के पास में पहुंचा। ठाकुर ने प्रतिज्ञा की है सबर मेरा सर को कत्ल कर दे। अगर ठाकुर जी किसी बात को अगर प्रतिज्ञा करते जरूर होगा। इसको सुनते ही सुकांत तो कांप उठा, है उसने कांप उठा। बोले ये नारद बाबा क्या कर दिया,
है, मैं जा रहा था सबको प्रणाम करता, बीच में मैंने प्रणाम नहीं किया विश्वामित्र को, नारद जी देखो कहाँ झगड़ा लगा दी है बिना कारण के कारण, कल सवेरे मेरा गला कटा जाएगा, ढूंढे नारद जी कहाँ है, जब तो ढूंढ नहीं रहे थे ठाकुर जी मिल, नारद तो मिले, अभी जो ढूंढ रहे ना नारद जी नहीं मिले, बोले देखो नारद बाबा कितनी गड़बड़ी, जब उन्होंने ढूंढ रहे थे इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते वो मुस्कुराते हुए बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते आए, जब नारद जी बिना बजाते बजाते आए हैं, जब नारद जी आए बोले क्या हो गया, बोले क्या हो गया अपने झगड़ा लगा दिया बिना करने के कारण, मैं सब संतों को प्रणाम करता आपने मना कर दिया, विश्वामित्र प्रणाम नहीं करने के लिए सवेरे उन्होंने प्रतिज्ञा की मेरे गले काट देंगे मार डालेंगे। नारद जी ने कहा भैया ये जगत हम भरते जगत है, जगत को क्या कहते हैं, कौन सा जगत बोलो, तुम लोग कोई कथा नहीं सुन रहे, इधर दे, ये जगत कौन सा जगत है, मरते जगत, मरते जगत मतलब क्या, सबको मरना पड़ेगा, बोले भैया जगत ही मरते जगत, सबको मरना पड़ेगा, बोले मैं नहीं मरना चाहता, बोले बताओ जगत में कौन मरना चाहते है, अभी कोरोना आ गया ना सब मास्क पहन कर आ गए हैं, इसलिए अभी लॉकडाउन लग रहा है, इसलिए बताओ कौन मरना चाहते, हाथ उठा दो, कोई मरना नहीं चाहते हैं, सब जिंदा रहना चाहते, बोले भैया जगत में कौन मरना चाहते, कोई तो मरना ही नहीं चाहते, बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बोले देखो एक काम करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते एक काम कर लोगे, बोले बोलो, बोले जाओ अंजना जी की शरण में चले जाओ, आप लोगों बताओ तो अंजना कौन थी, बोलो जोर से, बाबा सब पंडित बैठे, इसलिए हनुमान जी का माँ का नाम अंजना, इसलिए उनका नाम अंजना सूत कहते ना हनुमान जी को, बोले जाओ अंजना की शरण में चले जाओ, अब खूब जोर से रोना, पहले बोलना नहीं मेरे को प्रभु राम मारना चाहते, पहले छुपा कर करना बात, उनने जब प्रतिज्ञा करके फिर बोलना ठीक है, बोले ठीक है, जा करके सीधा अंजना जी की माता के चरण में एकदम गिर पड़े, गिर पड़ के रोने लग गए, देखो जो माताओं का जो दिल है ना थोड़ा कोमल होता है, पुरुषों से माताओं का दिल थोड़ी सी कोमल होता है, इसलिए देखो माँ बोल तो मुंह खुल जाएगा, मतलब मैया जरूर कुछ खाना खिलाएगी हैं, मैया को जरूर खाना खिलाएगी, इसलिए माताओं का हृदय थोड़ी कोमल होता है, इसलिए जब उन्होंने चरणों पकड़े रोने लग गए मैया का हृदय द्रवीभूत हो गया, बोले बेटा क्या बात है, बोले बात मैया पहले आपने प्रतिज्ञा करो फिर मैं बताऊंगा, बोले क्या बोलो, कल कल सवेरे मेरे को विश्वामित्र मरवाना चाहते, क्या करना चाहते हैं, विश्वामित्र मेरे को मरवाना चाहते हैं, बोले ठीक है बेटा तुम अंदर में बैठ जा, अंदर में बैठ गया, इतने में हनुमान जी शाम को आए, जब हनुमान जी शाम को आए इतने में देखा माता अंजना, ऐ इधर बैठो, ये माता है ना बड़ी गड़बड़ी सो, इसलिए जब शाम को कौन आए हनुमान जी, कितना पानी दो बैठ गया, इसलिए हनुमान जैसे बेटा हो गया, हो गया सब पानी ले आए, जब जरूरत था तो नहीं रहे बैठ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले हनुमान जी हैं, इतने में हनुमान जी बोले फंस गए, बोले ठीक है मैं देखता हूँ, एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या, देखा भगवान राम एकदम सन्या सामंत को लेकर हनुमान राम निकल रहे श्रद्धा जी करके, हनुमान जी पूछे प्रभु कहाँ जा रहे हो, बोले सुकांत को मारने के लिए, बोले प्रभु एक जीव को क्यों मारोगे, मार करके क्या होगा, बोले क्यों, उसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया, जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के करोड़ गुण होकर के और उसका प्राण को ले लेते हैं, भगवान की धनु बाण ऐसे अचूक है भगवान की बाण, लेकिन देखो जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करते हैं उसमें कितने शक्ति देख लो, जो हरिनाम कर रहे हो उसमें कितने शक्ति देख लो, इतने में जब हरिनाम कर रहे थे ना उन्होंने भगवान जब राम को, राम ने जब कान तक खींच करके उन्होंने बाण को छोड़े, लेकिन वो तो ठाकुर का नाम ले रहे थे, राम का नाम ले रहे थे, नाम रूपी जो चक्र है ना उनको रक्षा कर रहा था,
चारी तरफ में एक चक्र रखा कर रहा था, जब मारे वो गया लगा कहां पर, चक्र में, और गिर जाता है वहीं पर, बाण गिर जाता है वहीं पर, बाण गिर जाता है, कुछ होता ही नहीं। भगवान राम बोले ये क्या हो रहा है, मेरे बाण निष्फल हो रहा है, क्यों? भगवान का नाम उनको रखा कर रहे हैं, इसलिए बोले राम ना सकई नाम गुण गई, भगवान के नाम की इतने शक्ति, भगवान राम भी अपना नाम महिमा गा नहीं सकते, समझ रहे कि नहीं? जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं उसको कौन रक्षा करता है, भगवान का नाम रक्षा करते हैं। भगवान भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, भगवान भी तुम्हारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इतने नाम में शक्ति। जब कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, इतने में लक्ष्मण को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले राम को तो ये परेशानी कर रहा है, हैं? ये हनुमान जी परेशानी कर रहे हैं। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, उसने किया क्या, उठाया बाण और मारे, किसको? हनुमान जी का सीधा छाती को मार, मार दिया। तो जब बाण हनुमान की छाती पर लगा, लगा हनुमान की हृदय में कौन रहते हैं, बोला राम रहते हैं। जब उन्होंने बाण हनुमान की छाती पर लगा ना, इतने में भगवान राम तो छाती में लगा तो हनुमान की छाती में, इतने में भगवान राम बेहोश होकर गिर पड़े। बोले भैया ये क्या हो गया, क्योंकि उसका हृदय में राम का निवास है ना हनुमान की, लगा लेकिन गिर पड़े कौन, भगवान राम। जब भैया राम की होश आया, इतने में उन्होंने सुकांत जी को बोले, अरे भैया ये बताओ ऐसे कौन सा असत संग से तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई जो कि तुम मेरे गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। बोले ठाकुर जी असत संग से नहीं सत्संग से। बोले भैया कौन सा सत्संग से, कौन सा सत्संग से? बोले नारद जी, बोले नारद जी की, नारद तो कौतुकी है, हैं? कौतुकी, इतने में नारद जी आए। बोले नारद जी इनको ये दुर्बुद्धि तुमने कैसे दी, इसको तुमने ये दुर्बुद्धि कैसे दी? बोले प्रभु मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, सारा दुनिया मेरे से प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा, सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनकी नाम बड़ा, अभी कितना मैं उत्तर दूं। नारद जी ने बोले मैं ऐसे एक काम कर देता हूँ दुनिया को क्या पता चले, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, बोलो से बड़ा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, जिस सागर को लंग सके ना, बिना ही पुल के राम श्री राधे राधे, जिस सागर को लंग सके उद गया हनुमान उसी को, 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 भले के राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम राधे राधे, तारी के चतारा दुशासन, तारी के चतारा दुशासन, तारी बड़ा है श्याम, हरि से बड़ा हरि
प्रभु से बड़ा प्रभु का जल डूबत गजराज पुकारा आए आधे नाम दे राधे राधे जल डूबत गजराज पुकारा आए आधे नाम दे राधे नाम को चिंता रहती है नाम को चिंता रहती है नाम नामो बदना हरि से बड़ा हरि सारा हरि से बड़ा हरि सारा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम नारद जी बोले दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं ठाकुर जी बड़ा ना उनका नाम बड़ा मैंने सोचा ऐसे कुछ काम कर दे दुनिया को ये पता चले हरि से बड़ा हरि का नाम इसलिए मैंने ये लीला की जब उन्होंने ये बात को बताए इतने में विश्वामित्र जी आए जब विश्वामित्र जी आए तब नारद जी है नारद जी सुकांत जी बोले सुकांत चल चल जा विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ जा संतों के चरणों में गिर पड़ सुकांत भागते भागते गया और उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण में एकदम गिर पड़े चरण धोले लेने गए रोने लगे देखो जो संत है ना वो संघार नहीं करते संत संवारते संत संघार नहीं क्या करते हैं संवारते हैं संतों का सबसे बड़ा कमजोरी कहाँ जानते हो उनका चरण भले जितने पाप ताप क्यों नहीं किया हो बस एक बार संतों के चरणों में गिर पड़ो संत सब कुछ भूल जाते संत सब कुछ भूल जाते उन्होंने भूल गए राम को बोले राम तू मेरे वजह से तुमने प्रतिज्ञा किया था ना इसका सर काटोगे मैं अपना प्रतिज्ञा वापस ले लेता उसको रक्षा करो बस ठाकुर जी भी खुश हो गए भगवान भी खुश हो गए सब खुश हो गए हाँ देखो ये चीज को समझो क्या समझो हरि से बड़ा हरि का नाम इसलिए क्या करो भगवान के नाम जप करो भगवान की नाम को जप करो क्यों यही जाएगा और नाम में इतने शक्ति है भगवान ही तुम्हारी कुछ बिगाड़ नहीं सकते ठाकुर जी जो हरि नाम करते हैं उसको नाम रूपी चक्र हर समय उसको रक्षा करते रहते ठीक है सबको सब हरि नाम करना सवेरे उठ करके दिन भर देश तक को पीछे से हरि नाम कर रहे सब हरि नाम कर रहे समय को बर्बाद नहीं करना क्योंकि ये मानव शरीर का जो समय बड़ा कीमती है जैसे मानो अंबानी अंबानी का नाम सुने हो अगर डॉक्टर बोल दिया इसका ये अंतिम श्वास है अगर अंबानी की परिवार बोले तेरे के चार कोहिनूर हीरे देता हूँ उसको चार श्वास वापस ले आओ वापस ला सकते हैं हमारा जो एक श्वास गया ना अरब खरब रुपया की श्वास गई जितने कोशिश करने पर भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो लेकिन ये श्वास की सार्थकता किसमें जब हमारी श्वास श्वास में भगवान के नाम निकले क्योंकि ये मानव शरीर के सिवाय और किसी जीवन में प्रभु का नाम तुम नहीं ले सकते हो और किसी जीवन में तुम्हें उद्धार में मुक्ति भी नहीं मिलेगा इसी जीवन में मिलेगा तभी मिलेगा जब भगवान के नाम लोगे और अंतिम समय ये नाम ही काम में आएगा और जो दुनियादारी संसार में कोई भी तुम्हारे काम में नहीं आएगा ठीक है सबका सब हरि नाम करो और जीवन में खुशी रहो अब खूब प्रसन्न होकर के भगवान की भजन करो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे हाँ दो मिनट कीर्तन कर दो प्रसाद भोग लग गया ठाकुर जी को लग गया ना ठीक है बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण एक बार खड़े हो जाओ बैठ बैठ के प्यार दुख गया तुम्हारे एक बार नाच लो ठीक है हाँ तो बैठ बैठ अच्छा दिख रहा है।
भोलेनाथ।